नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। जब भी देश में आम आदमी के साथ कुछ बुरा होता है तो एक संगठन हमेशा सामने आती है। आज गुलनाज के साथ गलत हुआ है तो भाकपा माले वाले आज त्रिवेणीगंज में एक रैली निकाले, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, क्या मांग की। यह रैली जो है आज भाकपा माले के सभी संगठन की ओर से राज्यव्यापी प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि नीतीश मोदी के राज्य में नारी सुरक्षित नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है। आपको मालूम है कि वैशाली के देहरी की लड़की 20 वर्षीय गुलनाज थी, उसकी माँ मसोमात है, उनका पिता मर गए। गुलनाज 4-5 भाई बहन हैं और गुलनाज का हत्या जो है सामंती अपराधी गुंडा गठजोड़ से किया गया और 30 अक्टूबर को ही इसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई और वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी और हॉस्पिटल से खींच करके इनको जिंदा जलाया गया। इसी के विरुद्ध में और अभी तक मीडिया कर्मी जो प्रयास किया वहां तक पहुंचने के लिए, गुलनाज के परिवारजनों से जानकारी लेने के लिए किसी को जाने नहीं दिया। और जो गुलनाज जिंदा अवस्था में नाम जितना आदमी का बताया, एक को भी वहाँ देहरी का प्रधानाध्यक्ष और वैशाली के तमाम पदाधिकारी लगता है कि मिली भगत के से गुलनाज की हत्या को जिस तरह हसरत में घटना को अंजाम दिया गया, उसी तरह से बिहार के वैशाली देहरी की हत्या को अंजाम देने का प्रयास करते रहा। अभी तक एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी माले मांग करती है कि गुलनाज के हथियारों का अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो लगातार भाकपा माले का, एपुआ का, स्टूडेंट एसोसिएशन का, इनोस का, खेमस का, किसान महासभा का लगातार बारी बारी से आंदोलन बिहार के अंदर होते रहेगा जब तक नारी की सुरक्षा नहीं होगी। 20 वर्षीय गुलनाज जैसे बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग का यही मांग है गुलनाज के हथियारों का गिरफ्तार हो जल्द से जल्द। जी, क्या लगता है, क्या साजिश के तहत हुआ है ये सब? ये साजिश की तरह हुआ है, जो भी अंजना घटना का अंजाम दिया है उसका गिरफ्तार हो। मतलब जब तक न्याय नहीं गुल जाएगा मिलेगा, तब तक हम लोग का जारी रहेगा लड़ाई जारी रहेगा। हाँ, पूरा बिहार की बात है जो कि महिला के साथ अत्याचार व्यवहार होते जा रहे हैं, इसमें हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा अत्याचार होता है तो आप लोग आगे आते हैं? जब तो हम लोगों के साथ या कोई महिला के साथ अत्याचार होते हैं या कोई जुआ लड़की के साथ अत्याचार होते हैं, तो हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी माले का जो भी नेतृत्व कर रहे हैं पूरे बिहार पूरे देश की, इसमें हम लोग आवाज़ उठा करके इन पर न्याय लेने की बात करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। गुलनाज को न्याय देना होगा। क्या लग रहा है? गुलनाज को न्याय सिर्फ हम लोग देना होगा। महिलाओं के लिए नहीं, जितने भी आम आवाम है, जितने भी छात्र हैं, जितने भी नौजवान है, चाहे मजदूर हो, किसान हो, हम हर वर्ग के लिए, हमारा पार्टी भाकपा माले और आयशा, पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि आयशा इससे हाथरस की कांड हो या यहाँ पर वैशाली का कांड हो, हम लोगों ने न्याय के लिए लड़ना चाहा है और न्याय के लिए हमेशा से हमारी पार्टी न्याय के लिए ही बनी है और न्याय की लड़ाई हम पहले सड़कों पे लड़ते हैं, उसके बाद जाकर पूरा देश लड़ता है। क्या लगता है कुछ होगा? बिल्कुल, जब तक नहीं होगा हम लोग हैं ना, हम लोग लड़ेंगे और जब तक गिरफ्तार नहीं होगा और जब तक दोषियों को सजा नहीं होगा, हम लोग लगातार सड़क पर बने रहेंगे और दोषियों को सजा दिलवा कर रहेंगे। ये सुशासन की राज में चाहे कितनों भी अत्याचार क्यों न हो, लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं है। जब जब धरती पर अत्याचार होगा किसान मजदूर लड़की छात्रों के साथ, हम लोग रोड पर खड़ा होकर आवाज़ इसका उठाएंगे, किसी प्रशासन से नहीं डरेंगे। चाहे यह कैसे भी प्रशासन है, कैसे भी सरकार की नीति क्यों न हो, जिस जाति जिस धर्म के पास अन्याय होगा हम लोग खड़ा उतरेंगे रोड पर। भाकपा माले हमेशा आगे आती है जब भी किसी लड़की के साथ या किसी भी आदमी के साथ बुरा होता है तो ये सबसे पहले उस लड़ाई में खड़ी उतरती है। यहाँ आप नारा भी सुन रहे हैं, इन लोगों का नारा है सीधा कि गिरफ्तार करो जो लाज के जस्टिस के लिए ये आगे आए हैं। मैं हूँ रिंकेश कुमार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। धन्यवाद।